हाँ जी, मेरे पेट में दर्द होती है, पथरी की प्रॉब्लम है। अभी है या नहीं? अभी ज्यादा होती है, कभी कम ही होती है। हाँ जी, पथरी कौन सी साइड है? इस साइड है। इस साइड है, पित्ते में? हाँ जी, हाँ जी, की पित्ते में। हाँ जी, मुझे बताया था? नहीं बताया। चलो, किस किस को विश्वास है इनकी पथरी निकल जाएगी? यस, पूरा विश्वास है। यस, देखो फिर पथरी निकलेगी, कितनी एमएम की है। ठीक है, कभी सिर में दर्द होती रहती है और खाना खाती हूँ तो उल्टी जैसे मन होते रहता है। उल्टे जैसे? हाँ जी। चिंता ना करो, आंखें बंद करो, यीशु के नाम में। देखो दर्द अभी थोड़ा थोड़ा दर्द उसी साइड है? हाँ जी, इसी साइड है। देखो ध्यान से सुनना भैया, इसका दर्द गया जिस साइड में पथरी है, उस साइड का अगर दर्द चला गया तो समझो क्या गया? पथरी गई। हाँ जी, पथरी गई, समझो पथरी चली। आमेन। दर्द है ना? है। कितना है? है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है? हाँ जी, कम हो रहा है। देखो भैया, अभी मैंने प्रेयर नहीं की, लेकिन प्रार्थना करने से पहले ही कम हो रहा है। आमेन। इसका मतलब पथरी पूरी अलर्ट हो गई है कि अब मुझे जाना है। आमेन। अब वो तैयार हो गई है यीशु के नाम में। पथरी मेरी आवाज को सुन, मेल्ट हो जा। आमेन। पिघल जा। आमेन। मसीह यीशु के नाम में पिघल जा। आमेन। पिघल, पिघल, पिघल। आमेन। चेक कर, चेक कर। नहीं है। हाँ, दर्द नहीं है। Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. फिर से सुनो क्या कहती है ये। अभी दर्द नहीं है। Praise Lord. Praise the Lord. जब दर्द था तब इसकी आवाज ऊंची थी, या अब दर्द चला गया अब ऊंची है? अब ऊंची है। अब ऊंची है। Yes. एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने आपको बोला था जिस साइड में इसके दर्द है, अगर उस साइड का दर्द खत्म हो गया तो समझ जाइए पथरी भी चली गई है। तो पथरी चली गई, चली गई, पथरी चली गई। अब ध्यान से सुनना, दोबारा चेकअप करवा। अभी मत चले जाना, नहीं डॉक्टर करेगा, नहीं होगा, अभी तो किया था। ठीक है, थोड़े दिन के बाद जाओ, बोलना डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करो। इस बार पथरी रिपोर्ट में नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आएगा। आमेन। नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आते हो? कांकोली से। आते रहो, ठीक है, आते रहोगे तो ना पथरी आएगी ना पत्थर आएगा। आमेन। कभी यहाँ दर्द होती है, कभी यहाँ दर्द होती है, कभी यहाँ अंदर दर्द होती है, कभी आवाज़ें आती है। जब से मैं गांव से आई हूँ तब से मुझे लगता है जैसे कि कोई मुझे पीछे बुलाता है, और मैं ऐसे पीछे देखती हूँ तो परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरी तरीके। कुछ नहीं है, प्रभु मुझे बता रहा है, सिर्फ चर्च का गैप ज़्यादा पड़ गया, वो है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये गैप जैसे ही पूरा होगा, ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं वहाँ सब जगह सामर दिखाई देगी। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी बोले। पूरे शरीर में दर्द व एक आंख बहुत कम दिखाई देता है, चक्कर आते हैं। सुंदर नगर से आई हूँ, चंडीगढ़ पास लेकर। यीशु के नाम में अम्मा चंगी हो जाए, छुटकारा पाए। आमेन। आमेन। पर परसों वाली रात को मुझे छत के ऊपर से नकेले दे रहे थे, और मैं ट्रेन पे कटने गई थी तो काली और रात पड़ दी। अच्छा, हस्बैंड गिर रहे थे? ये खड़े हैं। कहाँ है हस्बैंड?
भी रखे थे मैं क्या बात भैया, रोटी खाना नहीं चाहते क्या? रात में मुझे बहुत दिक्कत थी, मेरा हाथ टूट गया, इतना मुड़ नहीं रहा है, फेंक रहे थे नीचे, दो मंजिल से नीचे। आप रोटी नहीं बनाते घर? भैया बनाती हूँ रोटी, बनाती फिर क्यों नीचे गिर रहे हैं आपको? इतनी तो सुनो, आप भी कहते हैं कान इनका भी रहता, तो कहते प्रभु मेरी नहीं सुनता है, तेरी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, रात भर मारते रहते हैं। दारू पीते हैं? डॉक्टर जी जय मसीह, जय मसीह। हम कभी नहीं दारू पीते थे, हम अभी 1.5 महीने के बाद गाँव से लौट के आए। ये गाँव ने बड़ा दुखी किया, वहाँ से आए कुछ बात ऐसी हो गई, पास्टर जी जो इन्होंने बताया नहीं, और हमको इधर उधर मालूम हुई, इतनी बात चुभना शुरू हो गई कि पूछो ना कि आप कहाँ मर जाए, क्या हो, ऐसा पूछो ना, ना दिमाग काम करे ना कुछ, यहाँ पर आँखें बंद हो तो पता नहीं कहाँ करे। और देखो कैसे रो रही, कोई होश नहीं हमको, ये सुनिए, काहे दारू पीते हैं जब एक पौवा इतना गड़बड़ करता है? अजय जी जानते हैं हमको, हम साल दो साल से अच्छा, बहुत दिन से ये तो जानते होंगे, ये भी पहले पीते नहीं पीते थे, लेकिन इस समय 2-3 दिन के अंदर पता नहीं कैसे क्या पिया था, मैं तो कभी नहीं पीता, उनको मालूम है साथ काम भी करते थे, कोई ऐसी बात नहीं, पर तो नहीं क्या कान से सुनता है तो कहते हैं प्रभु तेरी सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं है। कौन कहता है? चलो छोड़ो, अब पिएंगे कि छोड़ेंगे? नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, अब नहीं पिएंगे? नहीं। पक्का? पक्का। और इनको नहीं कहेंगे नीचे गिर जाओ? नहीं। पक्का? कभी कभी कहेंगे? कभी क्या, कोई बात गलत हो तो कोई बात तो कही जाएगी, और कह दो कोई बात हो, कोई कहीं पे कोई बात न करो तो ये बात थोड़ो, ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है, चलो आंखें बंद, अब नहीं कहेंगे, वो मान रहे हैं, ये मानते हैं कि पति सच कह रहे हैं। Praise the Lord! Praise the Lord! देखिए भैया, इनके जीवन साथी ने बोल दिया पति सच कह रहे हैं, मैं मानती हूँ। कभी कभी कान से सुनता नहीं है इनके, जब से गांव से आए हैं। हाँ इधर, ये गांव बार बार मत लेकर, बिल्कुल सुन रहा था हमको, अब ती जब ती फिर बीच में हो गया फिर सुन ही नहीं रहा। तो गांव क्यों गए, किसने कहा था गांव जाने? हाँ सर, कानपुर तो जाने पड़ता है। तो देखिए नुकसान तो आपको गांव जाने से हुआ ना, नुकसान हुआ कि नहीं गांव जाने से? ए भैया हुआ ना नुकसान, तो फिर काहे जाते हो गांव, शहर में रहो ना, परमेश्वर तुम्हें शहरी बाबू बनाना चाहते। इनकी माँ को दिखता नहीं तो ये जाते हैं, माँ को देखने जाते हैं, माँ को दिखता नहीं है। अच्छा एक मिनट, पिता यीशु के जीवित नाम में आज के बाद दोबारा कान खुल जाए, आमेन, और शराब की लत नशा आज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए, आमेन, आमेन, आमेन। वर्मा जी जैसे हो जाओ, ये नहीं लगाते पैक, पहले लगाते थे बहुत, दिमाग ऐसा कटता है कि कुछ पूछो नहीं, दिमाग अब गाली देना शुरू करते हैं, गुस्सा आता है, प्रेयर करने का दिल नहीं करता। और रे बे शिखरे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम, बस यीशु के जीवित नाम, मेरी और देख, देखती रहना, यीशु के नाम में रेबे शिखेरे कहते, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में रेबे शिखेरे, देख 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 देख, इधर देख, मेरी और देख, रे बे शिखर यीशु के नाम, छोड़,
अब देख पा रही है? पहले देख पाती थी नहीं, पहले मेरी तरफ देख ही नहीं पाती थी, मालूम क्यों? कहाँ गई वो, उसके इसकी सहेली कहाँ गई? बता इसको क्या होता था? ध्यान से सुना, इस लड़की ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है। जैसे यहाँ पर वो बहन खेल रही थी और खेल रहे थे, ऐसे ये भी खेला करती थी, लेकिन अभी पहले कैसी थी बताओ जरा। इसको बहुत गुस्सा आता था। हाँ जी, ये बहुत रोती थी चिल्ला चिल्ला के, बहुत रोया करती थी चिल्ला चिल्ला के, अपने आप ही की प्रार्थना जो कोई करता था तब। और इसने अकेले बैठे रहना, किसी से बात नहीं करनी, अपने आप से मतलब रखना। प्रार्थना के वक्त में रोती थी? हाँ जी, अकेले भी रोती थी। अच्छा, और अभी? अब जब से ये चर्च में आ रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ये चंगी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड।